geography का topic, distribution of horizontal distribution of air pressure और pressure wells के बारे में पढ़ेंगे. ये काफ़ी मुझे बच्चों ने कहा है कि कई टॉपिक हमें क्लियर नहीं होता है, इसी वजह से मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूँ कि हमारे अर्थ सरफेस पर किस किस तरह से हमारी जो प्रेशर वेल्स हैं डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, या क्या कारण होता है इन प्रेशर वेल्स का हमारी अर्थ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने का. कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रीज़न होता है, हमारे पास जितनी भी सन की रेस आती हैं, हमारी पूरी अर्थ सरफेस पर जो सन की रेस पड़ती हैं, मेनली उनकी वजह से ही कारण होता है कि हमारी जो डिफरेंट प्रेशर वेल्स बनती हैं हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो प्रेशर वेल, जो कि हमारी इक्वेटर से 5 डिग्री अबव नॉर्थ की साइड, 5 डिग्री साउथ की तरफ हमारी ये प्रेशर वेल बनती है, लो प्रेशर बेल्ट. इसको हम डॉलरम और पीस बेल्ट भी कहते हैं. इसका कारण ये होता है कि हमारी सन की रेस डायरेक्टली हमारे इस इक्वेटर बेल्ट पर पड़ती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है. ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या रहता है कि लो प्रेशर डेवलप हो जाता है. लो प्रेशर डेवलप होने के कारण हमारी जितनी भी हमारी जो विंड होती है, एयर होती है, वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो ऊपर, काफ़ी ऊपर हमारे इस इक्वेटर से वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है, और वो ऊपर आके अराउंड अप टू ट्रोपोस्फीयर लेवल पे आके वो हमारी फिर डाइवर्ट होना स्टार्ट करती है टूवर्ड्स नॉर्थ और टूवर्ड्स राइट. लो प्रेशर बेल्ट होने के कारण यहाँ पर हमारी हाई टेम्परेचर होता है, जिस वजह से हमारी बहुत सारी जो एयर है वो काफ़ी अपवर्ड राइज होती है, और ऊपर हमारी ट्रोपोस्फीयर लेवल तक जाने के बाद वो काफ़ी कंडेंस फॉर्म में होने के कारण हमारी वो एयर वो क्या करती है, सिंक होती है एट दिस बेल्ट. इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि डायनेमिक इन नेचर होती है. ये जो बेल्ट है दैट इज डायनेमिक इन नेचर. जो बेल्ट हमारी इक्वेटर पे फॉर्म होती है वो थर्मल इन नेचर. डायनेमिक होने के कारण यहाँ पर हमारी डायनेमिक का मतलब है ड्यू टू अर्थ रोटेशन, और हमारी यहाँ पर कंडेंस हमारी जो एयर होती है वो ट्रोपोस्फीयर लेवल पे कंडेंस होती है, फिर वो हमारी सिंक होती है इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे. तो इस प्रोसेस जो कि नेचुरली नहीं होता वो बनाया जाता है इस तरह से, इस वजह से उसको डायनेमिक कहते हैं. हमारी यहाँ पर डायनेमिक बेल्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी हाई प्रेशर जो बेल्ट बनती है वो डायनेमिक इन नेचर होती है. यहाँ से जो हमारी एयर मूव करती है फ्रॉम दिस हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स दिस लो प्रेशर बेल्ट, इनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं. इनको हम ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जब बहुत लोग बिजनेस किया करते थे थ्रू शिप, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे पहले हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम ज़्यादातर लोग उस टाइम हमारे शिप का यूज़ किया करते थे. तो शिप का यूज़ करने की वजह से उनको इस तरह की विंड्स या इस तरह का प्रेशर या इस तरह की डायरेक्शन वाली विंड्स चाहिए थी, ताकि उनको ईजीली वो फ्रॉम दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इन विंड्स का यूज़ करते थे, ये विंड्स उनके शिप को आगे ले जाने में काफ़ी हेल्प करते थे. तो इस वजह से इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं. इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये हमारे जो पहले बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो शिप के थ्रू ट्रैवल करते थे, उनको आगे ले जाने में ये काफ़ी हेल्प करते थे. कभी कभी होता था जैसे कि हमारी विंड्स नहीं मूव कर रही हैं, तो वो जैसे कि पहले बहुत टाइम तक या बहुत पहले हॉर्सेस हुआ करते थे, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा हुआ करता था. हॉर्सेस को एक कंट्री दूसरी कंट्री तक ले जाया जाता था, तो इन विंड्स का उसी टाइम में भी यूज़ किया करते थे ताकि शिप इजीली आगे मूव हो सके. तो कई बार तो होता था कि कभी कभी विंड्स बिल्कुल नहीं चलती थी, तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे हॉर्सेस को वो शिप से नीचे ओशन में गिरा दिया करते थे. तो अभी जब रिसर्च किया तो हमारे इस जोन में बहुत सारे हॉर्सेस की बोन्स और बहुत सारी उनकी फॉसिल्स पाई गई हैं, जस्ट इसी वजह से इनको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं.
हमारा हो गया सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर वेल, जो कि डायनेमिक है, वो नेचुरली फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका फॉर्मेशन सिर्फ अर्थ के रोटेशन से और हमारी जो वेंड्स हैं जो ऊपर की तरफ राइज होती हैं, फिर वो अर्थ के रोटेशन की वजह से और कंडेंसेशन की वजह से हमारी यहाँ इस बेल्ट पर सिंक होती हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। Now let's proceed to subpolar low pressure belt, जो कि हमारी 60 to 65 degree latitudes पे पाई जाती हैं in northern hemisphere as well as in southern hemisphere at 60 to 65 degree latitude। ये भी dynamic in nature होती है, ये naturally formation नहीं होती है, they also form due to the rotation of the earth and as well as जो हमारी winds आती हैं यहाँ से, यहाँ पर भी हमारी विंड जो आती है हमारे इस पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो कि हमारा 60 टू 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में होता है, सेम हमारा 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में भी होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, हमारे दोनों लैटिट्यूड पाए जाते हैं। ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है क्योंकि ये पोलर पूरा रीजन जो है ऑलमोस्ट पूरा पोलर एरिया में आता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करें हमारा इस हाई प्रेशर बेल्ट के, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर काफ़ी लो रहता है इफ़ यू कंपेयर टू दिस प्रेशर बेल्ट। दिस इस एरिया इज हैविंग लो प्रेशर एंड एज वेल एज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन अर्थ करती है, इसी वजह से यहाँ पर हमारा लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो विंड्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और हमारे इस सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे सिंक होती हैं, और यहाँ से भी हमारी एयर राइज होती है और हमारी इस पोलर एरियाज पे ड्यू टू कंडेंसेशन एंड द लो टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कन्वर्स होती हैं। तो इस तरह से हमारा विंड्स का रोटेशन होता है ओवर दी ऑल सरफेस, ओवर दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, इस तरह से होता है। हमारे ये जो बेल्ट है हमारी 0 to 5 degree नॉर्थ होती है, 0 to 5 degree साउथ होती है, ये हमारी होती है 25 to 30 degree, ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि 25 to 30 degree नॉर्थ, और सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि 25 to 30 degree साउथ होता है, 25 to 30 degree नॉर्थ होता है, हमारी ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। हमारी अब बात करते हैं हम लोग हाई प्रेशर बेल्ट जो कि थर्मल इन नेचर, दैट इज नेचुरली फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं थर्मल इन नेचर। इस प्रेशर बेल्ट का जो फॉर्मेशन है वो थर्मल इन नेचर है, जो कि नेचुरली यहाँ पर लो टेम्परेचर होने की वजह से ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे प्रेशर काफ़ी लो रहता है। इसी वजह से यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर लो टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, साउथ में भी होता है यही सेम और यही सेम हमारा नॉर्थ में होता है। ये हमारा प्रेशर बेल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पूरे सरफेस अर्थ सरफेस के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ, इसको बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मैं आपको बता देती हूँ हमारा जो अर्थ सरफेस है यहाँ पे हमारा अप टू 35 degree तक ट्रॉपिकल, उससे ऊपर सब ट्रॉपिकल, उससे टेम्परेट, देन उसका पोलर रीजन होता है। इस एक तरह से मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और पोलर जोन हमारे अर्थ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी आपको थोड़ा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है। ये हमारा ट्रॉपिकल जोन जो हमारा इक्वेटोरियल पार्ट होता है, जो कि अप टू 20-25 degree नॉर्थ लैटिट्यूड और 0 to 25 degree साउथ लैटिट्यूड होता है, ये ट्रॉपिकल जोन है जहाँ पर हमारी ये ट्रेड विंड्स, जहाँ पर हमारी ये ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, इस जोन को बोलते हैं हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये हमारा पूरा ये इस मीडिएटर पार्ट है जहाँ पर हमारी ये ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, इसको बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो कि वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सन रेज। जिस तरह से हमारी जैसे अर्थ रोटेशन करती है और रिवॉल्व करती है, इसकी वजह से हमारा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी हमारा माइग्रेट करता है नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन सदर्न हेमिस्फीयर। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
I hope you like this video.